Assalamu alaikum everyone. How are you all? Umeed hai ki aap sab theek honge. I am here with another lecture number 57 for interpart 2, and we are on our unit number 4, group 5a or group 6a elements, jisme hum log group 5a elements ke bare mein kafi kuch detail mein baat kar chuke hain aur wo portion hum complete kar chuke hain. Ab jo hum baat kar rahe hain, that is about group 6a elements jisme sulfur, oxygen wagera ke bare mein baat hui. Pehle humne dono ko aapas mein compare kiya tha, inki occurrence dekhi thi, inki general properties ke bare mein baat ki thi. Uske baad hum log aaye hain sulfur ke compounds ki taraf, jiska pehla compound hai jo ki hai सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने अपने प्रीवियस टू लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है. जैसा कि मैंने उसके बताया है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जिसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कहाँ कब और कैसे जो है फर्स्ट टाइम ये ह्यूमन हिस्ट्री में जो ये प्रिपेयर किया गया था. उसके अलावा ये अगर नेचुरली हम देखें तो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, कितनी अमाउंट में मिल सकता है, हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है. उसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैंने लास्ट लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसके अंदर पहले बर्निंग है, फिर प्योरीफाइंग है, फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, फिर एब्जॉर्प्शन टॉवर है. इन फोर डिफरेंट प्रोसेसेस से होते हुए और उनके सब स्टेप से होते हुए विद द हेल्प ऑफ सल्फर या फिर आयरन पाइराइट को हम लोग जो है कन्वर्ट करवा देते हैं फाइनली इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड बाय पासिंग थ्रू द डिफरेंट स्टेप्स, और प्योरीफाइड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड आएगा. और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डिफरेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके अंदर कितना वाटर डिसॉल्व करेंगे. उसकी मदद से आप चूज़ कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाइल्यूट फॉर्म में चाहिए. कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के लिए एज़ यू नो वेरी वेल कि आपको वाटर की जो अमाउंट है बहुत कम रखनी होगी, और अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो उस सूरत हाल में आपको वाटर की अमाउंट बहुत हाई रखनी होती है. यहाँ तक बात हो गई थी अबाउट द प्रिपरेशन. तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग उसकी बात करते हैं प्रिपरेशन, उसकी जनरल पहले ओवरऑल इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़ टू डिफरेंट टाइप्स की हैं, एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टी और सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा हम लोग उसके यूजेस के बारे में बात करते हैं. तो आज जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब हमारा ये काम है कि हम ये देखें कि ये प्रॉपर्टीज़, ये किस तरह के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, क्यों ये एसिड कहलाता है. अब प्रॉपर्टीज़ भी आगे फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एक है फिज़िकल प्रॉपर्टी और सेकंड वन हिज़ केमिकल प्रॉपर्टी. फिज़िकल जैसा कि आप नाम से जानते हैं, जो अपीयरेंस में किस तरह के होगी, बिहेव किस तरह से करती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होगी, इसकी सोलिबिलिटी कैसी होगी, इसका ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेविटी कितनी होगी, अपीयरेंस कैसी है, ये सब चीज़ें जो हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं. जबकि जो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जब हम लोग उस ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो केमिकली रिएक्ट किस तरह से करेगा, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ उसको ऐड किया जाए, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ऐड किया जाए, तो वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, क्या वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्या वो रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सब प्रोसेसेस हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं. तो क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टी कि फिज़िकली अपीयरेंस वाइज ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. तो अगर आप बात करते हैं प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी कि इसके अंदर कोई भी आपने चीज़ वाटर वगैरह ऐड नहीं किया है, आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर फॉर्म में है, तो उस टाइम पे ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है विदाउट एन ऑडर, यानी कि इसकी कोई भी स्मेल नहीं है और ये कलरलेस लिक्विड होगा और ऑयली अपीयरेंस होगी इसकी. तो लाइक एन ऑयल और एक कलरलेस है, जिस तरह वाटर कलरलेस है, और उसके अलावा ये ऑडर उसकी कोई भी नहीं है, स्मेल उसकी कोई भी नहीं होती है. उसके अलावा अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट इज़ इक्वल टू 1.834. ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली ये मोस्टली इनमें से एमसीक्यूज़ में आ जाता है, उसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में जितनी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जितने टेम्परेचर रेंजेस दी गई हैं, आपको अच्छे तरीके से याद हो. तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 18 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज़ इक्वल टू 1.834.
10.5 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि ये फ्रीज़ हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एट 10.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका अच्छा खासा हाई है, दैट इज़ 338 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त ये बॉयल हो जाएगा। उसके अलावा ये जब हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये लिबरेट करता है, यानी कि ये रिलीज़ करता है लॉट ऑफ हीट को, जो टेम्परेचर को रेस करेगी ऑफ द मिक्सचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसका रिएक्शन है विद वाटर सल्फ्यूरिक एसिड का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, जिसमें वो हीट को रिलीज़ करेंगे और हीट रिलीज़ होने की वजह से जो पूरा मिक्सचर होगा वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, हाई होकर 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमेशा जब आपने वाटर में मिक्स करना है तो उसको थिन स्ट्रीम में आपने, यानी कि जब वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे वाटर के अंदर, और बहुत तेज़ी से आप उसको पोर नहीं करेंगे। जितनी तेज़ी से पोर करेंगे वो एकदम, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एकदम ब्लास्ट होने का खतरा होता है और एकदम हीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जो टेस्ट ट्यूब या जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं जैसे बीकर वगैरह है, उसका एक्सप्लोड होने का खतरा होता है। तो जब भी आप डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो दो बातों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट वन क्या है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो आप एकदम से मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि उसको जब पोर कर रहे हैं तो थिन स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप पोर करेंगे। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर पोर करेंगे, लेकिन वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पोर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ले ली या बीकर ले लिया, पहले उसके अंदर वाटर ले लिया आपने और उसके बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और बाद में वाटर को उसके अंदर पोर करें, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस टाइम पर इसके एक्सप्लोड होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है वाइल मिक्सिंग वाटर विद सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा अगर हम लोग प्योर एसिड की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर वो डिफरेंट आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं हुए होते आयंस जो हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी वाटर को मिक्स कर दें तो ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, तब इसके जो आयंस होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे पूरे सोल्यूशन में, और जब आप उसके अंदर से करंट को पास करते हैं तो वो ईजिली करंट को कैरी ऑन करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा सेवन्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक्सट्रीमली कोरोसिव है हमारी स्किन के लिए, और ये अगर डायरेक्टली प्योर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अगर स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये इस हद तक कोरोसिव है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ये उनको डैमेज कर देगा, बर्न कर देगा, सीरियसली बर्न कर देगा। तो ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो हमारा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलरलेस है, ओडोरलेस है और ऑयली अपीयरेंस का लिक्विड है। उसके अलावा 18 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.834 है। उसके अलावा इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेल्सियस। सल्फ्यूरिक एसिड को आप जब भी वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और पूरा जो ओवरऑल मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक होने की वजह से 120 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो जाएगा। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा वाटर में पोर करना चाहिए थिन स्ट्रीम में, ना कि वाटर को आप पोर करें सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके अलावा अगर प्योर एसिड की बात करें तो वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ा सा भी वाटर को ऐड कर दें तो वो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके प्योर फॉर्म में देखें तो ये एक्सट्रीमली कोरोसिव है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होने की वजह से जब भी ये स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ हैं उनको ये सीरियसली बर्न कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, अदरवाइज जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं बंदे को सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो इस ये जो है डिफरेंट हम लोग इसकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कि ये एसिड के तौर पे किस तरह से रिएक्ट करता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, अगर हम इसको हीट अप करें तो क्या होगा, उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, ये काफ़ी बातें हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।